पुलिस विभाग समाज में लोगों के सुरक्षा के लिए होता है, मगर ये रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जी हाँ। ऐसा ही एक मामला जरीपटका थाना क्षेत्र में सामने आया है। एक पुलिस सिपाही ने शादी का झांसा देकर एक महिला पर बलात्कार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2012 में पीड़ित महिला के भाई ने खुदकुशी की थी। इस मामले में पीड़ित महिला की पहली बार आरोपी पुलिस सिपाही हेमंत कुंबरे के साथ मुलाकात हुई। इस मामले की जांच के दौरान दोनों का फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ा। इसके बाद 2014 में पीड़ित महिला के पति की भी मौत हो गई। अकेली महिला को देख आरोपी ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मगर पीड़ित महिला ने शादी से इनकार कर दिया। इस पूरे कार्यकाल में आरोपी जरीपटका थाना में कार्यरत था। 2015 में उसने महिला को जरीपटका क्षेत्र के खोबरागढ़ी चौक पर बुलाया और अपनी कार में बिठाकर उसने वीरान जगह ले जाकर उसे बलात्कार किया। आरोपी ने शादी के सपने दिखाकर महिला के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए। फिर महिला ने आरोपी से शादी का तकादा लगाया। शादी की बात निकालने पर वो महिला को मारता था। बार बार तकादा लगाने के बाद आखिरकार आरोपी पुलिस सिपाही ने शादी से इनकार कर दिया। इसलिए पीड़ित महिला ने शुक्रवार को जरीपटका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। यातील जो आरोपी आहे हा पोलीस शिपाई आहे, त्याचं नाव हेमंत हिरामन कुंबरे असं आहे। तो 2012 साली जरीपटका येथे नेमणुकीस होता। ज्यावेळेस पीडिताच्या भावाने आत्महत्या केली होती त्यावेळेस त्याची चौकशी तर जरीपटकात चालू होती। त्यावेळेस आरोपी व पीडिता यांची ओळख झाली। त्यानंतर त्यांचे बोलणे सुरू होते फोन मोबाईलवर असं प्रत्यक्ष भेटून। त्यानंतर सन 2014 साली पीडितेचा पती मरण पावल्यानंतर दोघांचे बोलणे सुरू होते। त्यावेळेस आरोपी हा पीडितेला म्हणाला की मला तुझ्याशी लग्न करायचं आहे, माझ्या पत्नीशी पटत नाही, मी तुला सोडणार आहे आणि मी तुझ्याशी लग्न करणार आहे। त्यावेळेस पीडिता त्याला नाही म्हणून नकार दिला, तरी त्यांचे बोलणे सुरूच होते। सन 2015 साली एक दिवस सायंकाळी आरोपीने पीडितेला फोन केला की मला तुला तुझ्याशी महत्त्वाचे बोलायचे आहे, तू खोबरागडे चौकात ये, खोबरागडे चौक पोलीस स्टेशन जरीपटका। त्यानंतर पीडिता हा तिथं आली असता तिनं बघितलं की आरोपी हा त्याची मारुती आल्टो गाडी घेऊन तिथं आलेला होता। आरोपी पीडितेला म्हणाला की मला तुझ्याशी महत्त्वाचे बोलायचं आहे, गाडीमध्ये बस। त्यावरून पीडिता ही गाडीत बसली आणि ते आरोपी व पीडिता गाडीत बसून कोराडे ते सावनेर रोडवरती गेले। तेथे आरोपीने पीडिताशी जबरदस्तीने संबंध बनवले आणि सांगितले की मी तुझ्याशी लग्न करणार आहे। त्यानंतर आरोपीने पीडिताशी वेळोवेळी संबंध केले, गाडीमध्ये तिच्या ते ब्युटी पार्लर असलेले नारा रोड तिथे वेळोवेळी संबंध केले आणि सांगत होता की मी तुझ्याशी लग्न करणार आहे। आणि जर पीडिताही आरोपीला संबंध बनवण्यास जर नकार देत असेल तर आरोपी हा तिला मारहाण करायचा। त्यानंतर आता आरोपी हा पीडिताशी लग्न करण्यास टाळाटाळ करत आहे, त्यामुळं पीडिताने येऊन पोलीस स्टेशनला येऊन तिच्या विरोधात तक्रार दिलेली आहे। आरोपी हेमंत कुंबरे अभी लकड़गंज ट्रैफिक पुलिस विभाग में कार्यरत है। जब से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ तब से आरोपी हेमंत कुंबरे फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।